हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, छोटा सा पैनी स्टॉक है ट्राइडेंट का और 6 साढ़े 6 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा प्रेशर में ये शेयर जरूर रहा है, हालांकि एक बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिल चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्राइडेंट के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और आज इसके नतीजे भी आए हैं उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर अभी 6 रुपए 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 6.5% की एक बहुत बड़ी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को जरूर मिल रही है। इस बीच आप देखिए, 6 रुपए 21 पैसे तक का लो है और तकरीबन 7 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। पिछले काफी वक्त से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर शेयर कंटिन्यूसली टूट रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में ट्राइडेंट के शेयर में सिर्फ मिनिमम 1.5 से 2% का ही ग्रोथ है, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। 8 रुपए 30 पैसे तक का हाई बना है और 3 रुपए 30 पैसे तक का लो भी इसने बनाया हुआ है। एक बहुत बड़ी रैली आई, 3 रुपए 30 पैसे के ऊपर शेयर था, एक बहुत बड़ी रैली आई, शेयर सीधा पहुंच गया 5 रुपए 65 पैसे के आसपास, बाद में नीचे टूटा और शेयर 4 रुपए 60 पैसे तक भी चला गया। उसके बाद एक बढ़िया रैली आई और शेयर सीधा चला गया 7 रुपए 50 पैसे के आसपास शेयर चला गया। लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, शेयर कंटिन्यूअस नीचे ही टूटता जा रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में 22% की हमें गिरावट देखने को मिली है, और इस बीच 10 रुपए 10.5 रुपए तक का हाई बना है और 3 रुपए 30 पैसे तक का लो भी बना है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 3,180 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, और अगर वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो 55 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड इसका एनएससी में है और 12 से 13 लाख का वॉल्यूम ट्रेड बीएससी में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, जो होल्डिंग पहले 71.06% थी आज वो 71.07% देखने को मिल रही है। एफआईएल ने एक बड़ी होल्डिंग गिराई है, 2.05% की होल्डिंग 1.68% देखने को मिली है। और तो और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5 म्यूचुअल फंड की पैसा जरूर लगा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि 0.01% की भी होल्डिंग इनकी देखने को मिल सके। यहाँ पर देखिये, प्रमोटर भी थाईएस होल्डिंग ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड है, जिनके पास 32.76% की होल्डिंग है, 5 म्यूचुअल फंड कितने पैसा लगा है, 51 FIs यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो रेनबो इंटीग्रेटेड टेक पार्क है, जिनके पास 5.89% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.94% है, 18% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, और इसी साल फरवरी महीने में इन्होंने डिविडेंड पे किया है। छोटा सा पैनी स्टॉक जरूर है, लेकिन 18 पैसे पर शेयर का बढ़िया डिविडेंड इसने पे जरूर किया हुआ है। ट्राइडेंट के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग सबसे पहले देखेंगे तो अभी इनकी न्यूट्रल है और थोड़ा हाई पीए के ऊपर शेयर जरूर ट्रेड कर, 9.48 है जबकि इंडस्ट्री पी 8 के आसपास है, तो हाई पीए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 5.82 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.09 है, ईपीएस 0.67 है, डिलीवरी सर्टिफिकेट 43 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 16% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 87% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है, उनका कहना है कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और 13% लोगों का मानना है कि तेजी आई है, फायदा उठाओ और एग्जिट कर लो। ट्राइडेंट के नतीजे आए हैं, आपको देखने में नतीजे उतने अच्छे नहीं लगेंगे। 10 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, जो काफी कम है क्योंकि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 40 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले दिसंबर में भी 40 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले सितंबर और जून में 100 करोड़ से भी ज्यादा का इनका मुनाफा हुआ करता था। तो जून क्वार्टर में इस बार नतीजे बहुत कम है, मतलब मुनाफा बहुत कम हुआ है, 10 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है और वो कम प्रॉफिट है। और हालांकि उसकी एक्सपेक्टेशन की भी जा रही थी क्योंकि पूरा का पूरा जून क्वार्टर लॉकडाउन में गुजरा है, ये हम सब जानते हैं। मार्च महीना हो, मई महीना हो या जून महीना हो, सभी लॉकडाउन में था। और ऐसे बिजनेस में काम करने वाली ये कंपनी है कि उनके जो प्लांट्स थे वो भी बंद पड़े हुए थे और कुछ कामकाज हो नहीं रहा था, तो ऐसी हालत में मुनाफा कम होना जाहिर सी बात है। और इनकम भी काफी कम हुई है इनकी, कंपेयर्ड अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से करें तो इनकम भी काफी कम है और खर्चा भी थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ इनको जरूर है, तो इसीलिए शेयर में मतलब इनके जो प्रॉफिट है वो कम हुए हैं। लेकिन हालांकि उसकी एक्सपेक्टेशन की भी जा रही थी,
लेकिन थोड़ा सा असर इसके शेयर प्राइस पर जरूर पड़ेगा, इस नतीजे से थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी भी शेयर इतना बुरा नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को जरूर बढ़ाया है, 71.06% की होल्डिंग मिनिमम बढ़ी है 71.07%। मतलब प्रमोटर के शेयर द्वारा गिर भी शेयर नहीं है, फंडामेंटल्स इसके काफी अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि FIS ने होल्डिंग को कम किया है, 2.09% की होल्डिंग 1.68% देखने को मिली है। ओवरऑल ट्राइडेंट के बारे में देखें तो छोटा सा पेनी स्टॉक जरूर है, लेकिन एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जिसमें से लॉन्ग टर्म की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं क्लियरली इंडिकेट करूँ यहाँ पर कम से कम 5 या 10 साल, ठीक है। और ट्राइडेंट के ऊपर मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि देखिए शेयर दौड़ेगा तो बहुत दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा तो आपको कुछ साल के लिए आपका पैसा होल्ड भी हो सकता है। तो ये चीज के साथ आप यहाँ पर निवेश करें। और दूसरी बात कि पैनी स्टॉक वो स्टॉक होता है कि चला तो चला, नहीं तो नहीं भी चलता है वो। तो उतना बड़ा पैसा आपको यहाँ पर निवेश नहीं करना होता है कि जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो या फिर आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस के रह जाए। एक छोटा सा निवेश करना होता है पैनी स्टॉक में, जिससे अगर आपका जिससे अगर वो डूब भी जाए या फिर फंस भी जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ये मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, पैनी स्टॉक एक जुआ होता है, उसमें आपको बड़ा निवेश कभी नहीं करना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इसमें 10,000 शेयर खरीद लिए, 20,000 खरीद लिए, 1 लाख शेयर खरीदे, ऐसा नहीं करना होता है। पैनी स्टॉक में मिनिमम क्वांटिटी लगानी होती है। और ट्राइडेंट मुझे लगता है कि पैनी स्टॉक में एक बढ़िया क्वालिटी का शेयर है ये, आप इसमें जरूर खरीदारी कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इसमें रखना एक सही डिसीजन नहीं होगा। छोटी छोटी क्वांटिटी इसमें भी आप लगाओ, हर महीने अगर आप चाहते हो तो 30, 30, 40, 50, 60, 100 शेयर्स की क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, एक मिनिमम क्वांटिटी जिससे आपको कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। और कम से कम यहाँ पर प्लान लेके चले कि आपको कम से कम 3 या 5 साल तो इसको होल्ड करना ही है। पैनी स्टॉक लंबी अवधि के लिए होता है, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि आज डाला महीने में मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा कभी भी पैनी स्टॉक में नहीं होता है। तो गिरावट और बढ़ और तेजी इसमें आती रहती है, और लंबी दूरी के लिए आप इसमें बने रहे अगर आपका निवेश का प्लान है, और ज्यादा बड़ा निवेश नहीं छोटा निवेश ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नतीजे अच्छे नहीं है लेकिन उतने बुरे भी नहीं है, इसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। नतीजे का असर मंडे को थोड़ा बहुत जरूर पड़ता है, वो देखने को मिलेगा, थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी 1-2 क्वार्टर के नतीजे के बाद आपको शेयर में एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।